तो वेलकम बैक टू अंदर एपिसोड ऑफ एटॉमिक्स गियर्स एंड आज हम हैं यहाँ होंडा बिग विंग के शोरूम में एंड टुडे इज़ द लॉन्च इवेंट ऑफ होंडा CB350 निया दिस इज़ नॉट द हाइनेस और CB350 RS दिस इज़ द जस्ट CB350 एंड दिस इज़ जस्ट द न्यू मॉडल एडेड टू द लाइनअप तो आपको 350 सीरीज़ में फाइनली एक और मॉडल यहाँ पर आपको अवेलेबल हो चुका है and this one is right here so yeah as you can see this is available actually in three variants so basically this is the standard variant top end variant mein aapko additional add on features yahan pe dekhne ko milta hai as you are seeing over here you are getting the visor the engine guard and also if you are willing to add on to aapko yahan pe back support bhi yahan pe aapko available ho sakta hai So let's start with the front. So as you are seeing over here, so this is the front view of new CB350, and that's the view of the top end variant. So here, your LED lights and the indicators are just. I have opened them here. So as you can see, this just give you a little bit of old school design. So if we talk now, let's talk about the specification. So you get front mein yahan pe LED headlamps dekhne ko milte hain, and you also getting the LED indicators. Yeah, these are the round shape as you can see over here. यहाँ पे आपको round shape design देखने को मिलता है. Below that you are getting the telescopic suspension, but also they are also covered. So don't just get confused that these are the USD suspensions. Coming below that, तो यहाँ पे आपको 19-inch wheel देखने को मिलता है. As you can see, 100x90, 19-inch wheel. तो यहाँ front में आपको 19 available है, whereas आपको rear में यहाँ पे 18-inch का wheel यहाँ पे आपको available जाता है. स्पेसिफिक टायर स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो आपको हाइनेस 350 एंड द CB350 आपको यहाँ पे सिमिलर स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं स्पेसिफिकली नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्रेक्स तो यहाँ पे आपको 310 mm का डिस्क ब्रेक अवेलेबल है या दिस इज ऑल्सो द निसिन ब्रेक्स तो आपको यहाँ मोस्टली यहाँ पे आपको होंडा के बिग विंग मॉडल्स में निसिन के ही ब्रेक कैलिपर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल रहते हैं वन मोर थिंग दीज आर द डुअल चैनल ABS एज वेल तो यहाँ आपको सेफ्टी काफ़ी एडवांस मिलती है इसमें सो यार लेट्स टॉक अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस बाइक सो आपको इसके डिज़ाइन में काफ़ी वेल ग्राइंडेड डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है बट दिस इज़ द एक्चुअली एयर कूल्ड इंजन सो यहाँ पे आपको 348 cc का इंजन यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाता है टॉकिंग अबाउट द पावर फिगर्स तो आप में इसमें आपको 20 point something की आपको इसमें ब्रेक हॉर्स पावर अवेलेबल है वेयरस आपको 29 Nm का यहाँ पे आपको टॉक अवेलेबल है सो यार टॉक फिगर्स आर क्वाइट गुड पावर फिगर्स It's well to do, but you can't say that it's too much for a 350 cc bike. Engine look wise, अगर आप देखना चाहें तो 350 series में almost आपको similar engine देखने को मिलता है. So this is the CB350, and all over there it's CB350 RS. So if you can see, तो यहाँ पे आपको similar design देखने को मिल जाता है. There is nothing more changes, just the chrome part जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. वो चीज़ आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलते बट अगर इफ़ वी चेक आउट तो आपको शायद कुछ कुछ मॉडल में ये क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगी सो या दैट्स द थिंग सो दैट्स द फुटरेस्ट तो फ्रंट एंड रियर तो काफ़ी ज़्यादा हाइट डिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है इट्स वेल सूटेड सिमिलर डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे मिल जाती हैं फॉर द ब्रेक फ्लूइड टैंक तो वो आपका फॉरवर्ड में पोजिशन है नॉट एट द रियर तो ये चीज़ आपकी इसमें मेरे को काफ़ी वेल सूटेड लगी कि मोस्टली आपके जो इंजन्स के पार्ट्स हैं वो आपके एक कंपार्टमेंट साइड में यहाँ पे आपके फिनिश कर दिए गए एंड यू डोंट गेट एनीथिंग एडिशनल जो कि आपके पीछे को सेटअप करा हुआ हो टॉकिंग अबाउट द रियर थिंग तो यहाँ पे आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं रियर व्हील इज़ एक्चुअली 18-inch व्हील तो या फ्रंट एंड रियर व्हील में आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल जाता है दिस वन इज़ क्वाइट वाइड फिर चेक आउट तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 130x70 18-inch व्हील रियर में आपको 240 mm के डिस्क ब्रेक यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं जिसके सिंगल ब्रेक ट्रैप यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ना
check out one thing. If you will just check out this silencer, top का silencer यहाँ पे से एक straight line में नहीं है. It's a little bit आपके एक angle पे यहाँ पे इसको bend कर दिया गया है. So it provides you a little bit better height and also this is actually tilted part. तो यह आपके इसके road में लगने के chances थोड़े कम है for the rear portion, जो कि आपको bullet में classics या फिर Royal Enfield में आपको देखने को मिलता है. वो काफ़ी ज़्यादा के स्ट्रेट लाइन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबे रहते हैं. तो उसमें कई बार होता है कि आपका साइलेंसर नीचे से या फिर टर्न पे आपका रोड में घिस जाता है, तो वो काफ़ी दर्दनाक एक्सपीरियंस रहता है राइडर्स के लिए. 350 की आपको बैजिंग यहाँ मिल जाती है, होंडा की बैजिंग. दीज आर द टैंक पैड्स एंड या तो यहाँ पे आपको रियर मेटेलिक मड मिल जाता है. दैट्स द मेटल पार्ट. सीट्स स्प्लिट सीट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं एंड दिस इज द रियर सेक्शन. सो आई विल जस्ट लाइट इट अप. सो या दिस इज द रियर पार्ट जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है. दिस इज द हेलोजन हेड टेल लाइट एंड द राउंड इंडिकेटर्स ओवर दिस साइड. सो दिस इज द रियर पोर्शन एंड कमिंग ऑन टू दिस साइड. दैट्स द लेफ्ट साइड. तो यहाँ पे आपको गियर पैडल्स देखने को मिल जाते हैं. दीज आर द बोथ फ्रंट एंड रियर पार्ट गियर पैडल्स. टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे आपको अवेलेबल है. या यू आर नॉट गेटिंग दी RPM मीटर, जस्ट द स्पीडो मीटर एंड दैट्स द गियर इंडिकेटर. सो यू विल सी टोटल ट्रिप रेंज एंड ऑल. तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल अवेलेबल हो जाता है एंड दैट्स द हॉर्न. तो यहाँ पे आपकी इंजन की चेकलाइट मिल जाती है. जस्ट चेक आउट वन मोर टाइम. तो यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम की फंक्शनलिटी यहाँ पे अवेलेबल है. वेयर एज इंडिकेटर्स के आपको यहाँ पे नॉट टाइम ऑफ द स्विच पैनल. तो यहाँ पे आपको एज यू कैन सी सिंगल स्विच सेल्फ स्टार्ट बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है. इंजन गिल स्विच एंड दे बोथ आर इंटीग्रेटेड. ब्लू लाइट आपको यहाँ पे हजार्ड लाइट स्विच यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाता है. एज यू कैन सी नाउ दैट्स ब्लिंकिंग. ऑन द लेफ्ट साइड आपको टर्न सिग्नल एंड दैट्स ऑन एंड मल्टीमीडिया कंट्रोल सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. एंड वन मोर थिंग विच वी जस्ट गॉट कन्फ्यूज्ड ऑन द लास्ट राइड. अगर आपने होंडा CB300F को चेक करा होगा, सो जस्ट कन्फ्यूज कि यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम की फंक्शन कैसे चलता है. बिकॉज एज वी हैव रिडन एवरी बाइक, तो ऑलमोस्ट एवरी बाइक, तो यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम का ही स्विच यहाँ पे आपको अवेलेबल रहता है. वेयर एज इफ यू जस्ट चेक आउट तो यहाँ पे कहीं पे नहीं चल रहा. बट इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट थिंग कि हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स इज लाइक दिस. सो यू आर सीइंग हियर, तो यहाँ पे आपके हाई बीम आ गई है. इफ यू जस्ट प्रेस इट बैक तो नाउ इट्स अ लो बीम डिपर में. हाई बीम लो बीम का फंक्शनलिटी ये कुछ मेरे को यहाँ पे डिफरेंट लगा. जो कन्फ्यूजिंग वाला पार्ट है वो इसका थोड़ा हॉर्न का है कि उसका आपका डिज़ाइन एट द बॉटम से हटा के आपको मिड में यहाँ पे देख दिया गया है. नाउ लेट्स एक्सपीरियंस समथिंग. ओके सो नाउ एज वी आर सिटिंग ऑन द बाइक यू कैन सी. सो इसमें एक चीज़ आपको अच्छी लगेगी, कोई भी अगर आपने रॉयल एनफील्ड की बाइक राइड करी है तो उसका टैंक व्हेन यू विल सिट तो टैंक उसका काफ़ी ज़्यादा वाइड है. यू ऑल्सो गेट द टैंक पैड्स ऑन द थायर पोर्शन ऑन दोज बाइक्स एज वेल. बट उसका टैंक आपका काफ़ी ज़्यादा वाइड है तो आपके लेग्स काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड आउट हो जाते हैं उसमें. एक्चुअली दिस इज द टॉप व्यू ऑफ दिस बाइक. एंड दैट्स द राउंड मिरर्स रियर व्यू मिरर्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं. हैंडल बार की बात करें तो आपका अगर आप इसका स्ट्रेट कंपैरिजन आपका क्लासिक 350 वगैरह से ही हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, क्योंकि क्लासिक आप सबने चलाई होगी तो उसमें आपको बेटर एक्सपीरियंस होगा तो आप कंपेयर कर पाएंगे. तो उसके अकॉर्डिंग उसके कंपैरिजन में इसके जो हैंडल बार है वो थोड़ा छोटा है, तो आपको यहाँ पे फील होगा कि इसकी जो वाइडनेस है वो थोड़ी बहुत छोटी है. वेयरएज आपको यहाँ पे सिंगल रॉड स्टाइल में आपको हैंडल बार देखने को मिल जाता है. डिज़ाइन वाइज दीज आर गुड लाइट वेट, तो आपको वेटनेस काफ़ी मिल जाती है. होंडा का इंजन है तो बेसिकली आपको रिफाइनमेंट काफ़ी प्यारी मिलने वाली है. 5-speed ट्रांसमिशन देखने को मिलता है. एज यूजुअल ब्रेक्स आर लुकिंग गुड. स्लिपर एंड क्लच आपको इसमें अवेलेबल हो जाता है. एंड वाइल राइडिंग विल चेक आउट वेदर इट्स सिंगल साइड और द डुअल साइड.
but we will check out if we get the chance to ride it today. But talking about the pricing, तो आपका इसका at Dehradun Honda Big Wing में इसका starting price range है for the base model it's 2,14,000. Prices may vary accordingly, but slightly up and down जा सकते हैं as you have just seen with the few bikes की price range यहाँ पे थोड़े बहुत अप डाउन गए हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट प्राइसेस मे वेरी, बट स्टार्टिंग रेंज इसकी 2,14,000 है. रेस्ट ऑफ द प्राइस रेंज आपको स्क्रीन में अवेलेबल है. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस एपिसोड विद न्यू होंडा CB 350. दिस इज अमित सिंह साइनिंग ऑफ एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग एटॉमिक्स गियर्स.